नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में, जहां पर यूसीएफ उमा केयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीबन एक साल का अरसा जो है वो गुजर रहा है, जिसमें यह फ्री दस्तरखान भी यहाँ पर लगाए गए। रमज़ान शरीफ में सुबह सहरी और अफ्तारी का जो है इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा मरीजों के साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनके लिए खाने पीने का जो इंतज़ाम है, राशन जो है वो यहाँ पर उमा केयर फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त कंट्री हेड जो हैं उमर साहब वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उमा केयर फाउंडेशन के हवाले से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उमा केयर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीईओ फराज यूनुस साहब वो हमारे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, यहाँ पे जो है एमएस साहब से मिले, यहाँ पे हमारा एक साल का जो है उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस बेस पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो नई बिल्डिंग यहाँ पे तामीर हुई है वहाँ पे हमने जो है एलिवेटर लिफ्ट जो है लगाई है, ताकि मरीज़ों के लिए जो भी मुश्किल थी सीढ़ियों पर चढ़ के जाना, काफ़ी मरीज़ों की डेथ भी हुई थी। इसके बाद हमने जो बच्चों के लिए चाइल्ड वार्ड है वहाँ पर इनक्यूबेटर की जो है हमने 7 जो इनक्यूबेटर मशीनें दी हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक साल कम्प्लीट होने को है, हम यहाँ पर जो है डिनर एंड लंच जो है दो टाइम का खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम मरीजों अटेंडेंस को दे रहे हैं, ताकि मरीजों के साथ साथ जो है अटेंडेंस भी जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह उमा केयर फाउंडेशन का ये माटो ये मकसद है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना, गरीबों के काम आना, भूखों को खाना खिलाना। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो तावन हो रहा है, को चेयरपर्सन है हमारे मियाँ ज़ुल्फ़िकार साहब, वो चलाने में हमारा जो है इसमें साथ दे रहे हैं। तो मैं काइंडली साहब से ये गुजारिश करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ हमारे साथ मिलें, तावन करें, डोनेट करें, ताकि हम इस मजीद अपने प्रोजेक्ट को जो है जारी रख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह उमा केयर फाउंडेशन सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी कई मकामात पर, जैसा हमारे जो है ऑर्फनेज अदारे हैं, हमारे जो है वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह हमारे फर्स्ट एड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस काम में। उमर भाई, मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि आपने जो है सेहत तो तंदुरुस्ती के हवाले से और साफ़ सुथरे माहौल के लिए अपना यूसीएफ ने किचन बनाया है जी, जहाँ पर सब कुछ खाना तैयार होता है, उसके बाद वहाँ से साफ़ सुथरे माहौल में हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है ताकि मरीजों को और उनके जो साथ अटेंडेंट हैं उन तक पहुंच सके। तो क्या कहेंगे कि इसमें जो है फ्री दस्तरखान जो है इसके अलावा भी कोई है, या जिस तरह आप बेवा या बेशुमार ऐसे घराने हैं जहाँ पर राशन भी तकसीम करते हैं जी जी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फूड पार्सल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे रावलपिंडी में भी चल रही है, इस तरह कराची के इजला में भी चल रही है, और जंग के इलाके में और हमारे मीरपुर में जो है डिस्ट्रीब्यूट चल रही है। बाकी जो है चेचिया के इलाके में हम जो है फूड पार्सल डिस्ट्रीब्यूशन मंथली फूड पार्सल जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सिलाई मशीनें, उसके अलावा हमारे रोज़गार प्रोजेक्ट जैसे फ्रूट कार्स, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 90 जो है फ्रूट कार्स मीरपुर के इलाके में और उसके ज़िला में जो है हमने दी हैं, ताकि जो है लोग जो है ये जो मांगने का सिस्टम है ये ख़त्म हो सके, लोग अपनी मेहनत आपके तहत जो है कमा सकें और अपना जो है अपने घर वालों का जो है ये पेट भर सकें। नाज़रीन, रोज़गार की फ्राहमी में भी यूसीएफ ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया, और फ्रूट की जो रेहड़ियाँ हैं वो काफ़ी जो बेरोज़गार थे उनको प्रोवाइड की गई। साजिद साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि जब खड़ी शरीफ में आज़ाद कश्मीर में जलजला आया तो उसमें भी जो है वहाँ पर खड़ी शरीफ के एरिया में काफ़ी ग्रानों तक जो है राशन की तकसीम और बेशुमार खिदमात सारे अंजाम दी, इस हवाले से क्या कहेंगे साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम राशन वहाँ पर जो बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, हम खड़ी शरीफ में, बन खुरमा में ऐसे जो घराने उनको राशन दे रहे हैं, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह और भी इस राशन को बढ़ाएंगे। आप लोगों से अपील है कि हमारे यूसीएफ के साथ तावन करें ताकि हम बढ़ चढ़ कर इन लोगों की खिदमत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी। नाज़रीन, यूसीएफ ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे कि आपने देखा कि डीएचक्यू हॉस्पिटल में तकरीबन एक साल का अरसा बीत रहा है, जहाँ पर जो है ये फ्री दस्तरखान और मरीजों के साथ साथ अटेंडेंस के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। साहिब इस्ताद जो लोग हैं वो भी अगर इनके साथ मिलजुल कर काम करें तो इस प्रोजेक्ट को मज़ीद वसी किया जा सकता है। कैमरा मैन के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।